कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसार चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल फिर से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर है। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर का बच्चे शिकार बनेंगे। दरअसल दुनिया भर के डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक क्लिनिकल रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन को सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में 2 साल से ऊपर की उम्र वाले बच्चे के भर्ती होने की संख्या बढ़ी है। ऐसे में यह आशंका है कि ओमिक्रॉन बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत में अभी केवल 18 से ऊपर की उम्र वाले लोगों को ही वैक्सीनेशन किया गया है। WHO की इसी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि जो लोग व्यस्क हैं उनमें फिलहाल ओमिक्रॉन के मामूली लक्षण देखे गए हैं। ज्यादातर संक्रमित लोग एसिम्प्टोमेटिक है। वहीं ठीक एक दिन पहले WHO के यूरोप ऑफिस ने भी बताया था कि 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। WHO यूरोप के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हेंस क्लूज ने कहा था कि यूरोप के कई देशों में बच्चों में इन्फेक्शन के मामले 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्गों, हेल्थ केयर वर्कर्स और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों की तुलना में बच्चों को कम गंभीर संक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। अब तक दुनिया भर के 21 देशों में 432 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में कब लगेगा बच्चों को टीका? कोरोना वायरस की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर इंतजार हो रहा है। भारत में बच्चों के लिए जायडस कैडिला के साइकोव डी वैक्सीन को सितंबर में मंजूरी मिल गई है। कोवैक्सीन को 2 साल से ऊपर के बच्चों को लगाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है, लेकिन ड्रग रेगुलेटर की ओर से इसे मंजूरी नहीं मिली है। वहीं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सोमवार को बूस्टर डोज और बच्चों के वैक्सीन को लेकर मीटिंग हुई थी, लेकिन इसका मसौदा अभी तैयार नहीं हो सका है। यानी बच्चों के लिए कोरोना टीका का अब भी इंतजार है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।